देख अपनी बेटी से कुछ नहीं कहता है, लेकिन ज्योति की पत्नी है वो तो भाई बहुत ही ओवर रिएक्ट करती है। भाई साहब पे बाबूजी होते हैं, वो बैठे होंगे तभी वो चली जाती, कुछ मांगने लगती है और आते ही वो अपनी बेटी पे बहुत गुस्सा करने लगती है। कहती है किसी से कुछ नहीं मांगूंगी तुम्हारे से, ठीक है? क्योंकि वो वहाँ पर बापूजी से कुछ मांग रही होती है, बापूजी से वो बहुत गुस्सा करती है। कुछ देर तक तो अनु समझाती है कि आप बापूजी के प्रति ऐसा कैसे कर सकते हो, वो घर के बड़े हैं और आप उनका ही लिहाज नहीं करोगे, उनकी ही इज्जत नहीं करोगे तो ये घर कैसे चलेगा, आपको उनकी इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिक आ जाता है और वो अपनी बेटी को समझाने लगता है और अपनी बेटी को कहता है कैसे हो क्या है, मतलब वो अच्छे, मतलब ऐसा बापूजी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलता है वो, क्योंकि अधिक उसकी जैसे नहीं है जैसे उसकी पत्नी, अधिक ऐसा नहीं है, वो बापूजी को मानता है, उनका थोड़ा लिहाज करता है, इसलिए वो कुछ बोला नहीं, वो ना उसने अपनी पत्नी से कुछ कहा ना बापूजी से कुछ कहा, अपनी बेटी को ही थोड़ा पूछा और ले गया, कुछ उसने नहीं कहा, क्योंकि मेन रीजन यहाँ पे कुछ और ही है। तो गाइस आप क्या चाहते हो, आपकी राय क्या है इसमें, आप कमेंट करके बताना। इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो पे, तब तक लिए हाँ एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि यहाँ पर जानने को आपको भी मिलेगा, क्योंकि अब एक नया ट्रैक आने वाला है अनु और अनुज के बीच में। क्या ट्रैक आने वाला है, उन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा होता हुआ आपको नज़र आएगा, क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए डिसिप्लिन, बाय।